आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। सिद्धारमैया विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, डीके शिवकुमार विल बी द ओनली वन डेप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका। लास्ट टू थ्री डेज यस वी आर ट्राइंग फॉर अ कॉन्सेंसस, यू नो दैट कर्नाटका वी हैव गुड डायनामिक लीडर्स, वेरी गुड चंक ऑफ लीडर्स आर देयर इन कर्नाटका फॉर कांग्रेस पार्टी। सिद्धारमैया यू नो एन एक्सपीरियंस्ड सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन, द सेम वे our PCC president DK Shivakumar, one of the dynamic party organizer in the state, he electrified the cadre of the state. Wherever little gap is there, he reached there and filled the gap. So it was a very good combination as Shivakumar as a PCC and Siddaramaiah as a CLP leader. Both are big assets of the Congress party in Karnataka. Of course, everybody have their own wish, their own desire to become a CM. They deserve it also. Both deserve it also. The Congress president had a series of consultation with the senior leaders. And one-to-one discussion with Siddaramaiah ji and Shivakumar. We are all the part of that discussions. And two, he took opinion from Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka ji and other senior leaders. Finally, Congress president took a decision on Karnataka's CLP leader issue. He conveyed me, he authorized me to convey his decision, Congress president. Siddaramaiah will be the chief minister of Karnataka. DK Shivakumar will be the only one deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC president till the parliament election is over. Already, we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. 20th, day after tomorrow, 12:30 is the swearing-in ceremony. Along with the Chief Minister and Deputy Chief Minister, a group of ministers also will be sworn in that day. हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है, इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पांचों गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे, ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी, आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बैंगलोर में, 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ
कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। बाकी के सवाल जो हैं उनका जवाब हम बाद में देंगे। या वी आर इनवाइटिंग द लाइक माइंडेड पार्टी लीडर्स टू बी द पार्ट ऑफ शेयरिंग। पावर शेयरिंग फॉर्मूला इज टू शेयर द पावर टू द पीपल ऑफ कर्नाटक, दैट्स ऑल। Only that is there. Power has to share the people of Karnataka. Nothing else.